गुड मॉर्निंग वंस अगेन स्टूडेंट्स, आई एम बैक हियर टू एक्सप्लेन यू वेन डायग्राम्स। ओके, तो सबसे पहले तो हम देख लें कि भैया वेन डायग्राम्स होते क्या हैं और ये क्यों यूज़ होते हैं। तो वेन एक्चुअली अ वेन डायग्राम यूज टू रिप्रेजेंट अ सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। ओके, सो वो डायग्राम जो कि किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं वेन डायग्राम। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कि हमने सेट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल और एन ओवल शेप। कैन यू सी, जैसे कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक सेट है ए और इसके एलिमेंट्स क्या है, ए ई आई ओ यू। तो हियर यू कैन से ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। सो नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट अलॉन्ग विथ यूनिवर्सल सेट, यू नो अबाउट ना यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, जो जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे सेट जिसके अंदर होते हैं। तो जो यूनिवर्सल सेट है उसे हम हमेशा एक रेक्टेंगुलर शेप में दिखाते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर एक सेट है, वो सेट क्या है, ए। ओके, तो अब हम इसके अंदर अब एलिमेंट पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे U इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर एक सबसेट है ए। वॉट इज द एलिमेंट्स ऑफ ए, 1 एंड 2। सो यू कैन रिप्रेजेंटेड बाय दिस सेट लाइक दैट। U पहले आप यूनिवर्सल सेट लो, इसके पहले जो दो कॉमन है 1, 2 दोनों में कॉमन है, इसके अंदर पुट करते हैं और फिर बचे हुए एलिमेंट 3, 4। ओके, आई थिंक आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू सेट्स बाय अ डायग्राम। हम एक ही डायग्राम से दो अलग अलग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास एक सेट ए 1, 2 एंड बी इज इक्वल टू 3, 4, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट हमको कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट कहते हैं ऐसे सेट्स को। तो ये हमने इनको रिप्रेजेंट किया, ए एंड बी कोई कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अब अगर लेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 3, 4, वी कैन इजीली से 3 इज कॉमन हियर। कौन सा एलिमेंट इनमें कॉमन है, 3, तो कॉमन एलिमेंट जो है ये इनके बीच में आएगा। ठीक है, बाकी एलिमेंट जैसे है, दिस इज द सेट ए, दिस इज द सेट बी, 1, 2, 4 एंड 3 इज कॉमन। इफ ए इज इक्वल्स टू 0, 2, 4, 6 एंड बी इज इक्वल्स टू 0, 3, 6, 9, विच एलिमेंट्स आर कॉमन हियर, ऑब्वियसली द कॉमन एलिमेंट्स आर 0, 6, तो दे विल बी कम इन कॉमन फॉर्म। ये देखिए, इसको हम डार्क शेप कर देते हैं मोस्टली, एंड द रेस्ट एलिमेंट शुड बी रिटन हियर। सो दिस इज ए, दिस इज बी, और ये जो है ये क्या है, ए, यूनिवर्सल और ए कॉमन बी। ओके, सो नाउ कम टू सम एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस क्वेश्चन भी ले रही हूँ उसके, तो हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। तो ये देखिए हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम द एडजॉइनिंग वेन डायग्राम। हमारे पास एक वेन डायग्राम है, राइट द सेट ए बाय द रोस्टर मेथड। आप इस ए को रोस्टर मेथड से लिखिए। आप कैसे लिखेंगे बताइए, कितने एलिमेंट है ए के अंदर, ए बी सी। तो हाउ कैन यू राइट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। राइट द यूनिवर्सल सेट यू इन द टेब्यूलर फॉर्म, आपको पूरा टेब्यूलर फॉर्म में यूनिवर्सल सेट को लिखना है, वेरी इजी टू राइट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। कि पहले तो हम देखेंगे यू के अंदर एलिमेंट कितने हैं, ए ई ए बी सी ई एफ, ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं ये हमारे यूनिवर्सल सेट यू में हैं। आप इनको लिख दीजिए टेब्यूलर फॉर्म में। आपने पहले ही देखा है कि रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म क्या होता है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स विथ यूजिंग बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ए बिलोंग्स टू ए, ऑफ कोर्स बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए, नो, एंड एफ बिलोंग्स टू ए, यस, एफ इज बिलोंग्स टू, नो, इट इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू ए, बट इट हियर इज सेइंग ए डैश, यस इट इज बिलोंग्स टू ए डैश। ओके, सो आई थिंक यू होप, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूरी की पूरी सीरीज इसके अंदर डालने वाले हैं। ओके, सो वंस अगेन गुड बाय स्टूडेंट्स। आपकी कोई भी कॉमेंट्स हो तो आप प्लीज़ कॉमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख दीजिए। ओके,